Hello children. Children, today in our maths work we are going to take the practice of put the sign. Of put the sign, जो कि एक बहुत ही easy topic है. कल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था. आपने जो answers दिए थे वो भी बहुत अच्छे से दिए थे. तो चलिए आज फिर एक बार practice करते हैं. तो put the sign में हमें क्या करना होता है? Yes, fish का mouth open करना होता है. और वो किस side mouth open होता है? जिस साइड नंबर ज़्यादा होता है, जिस साइड नंबर जो है ग्रेटर होता है, बिगर होता है, उस साइड फिश अपना माउथ ओपन करेगी. जिस साइड उसे ज़्यादा ईट करने को मिलेगा तो उसी साइड तो फिश अपना माउथ ओपन करेगी. तो हमें लुक हियर, इट इज़ 11 एंड इट इज़ 18. सो 18 इज़ बिग और 11 इज़ बिग. यस, 18 बाद में आता है या 11 बाद में आता है? यस, वेरी गुड. 18 बाद में आता है. तो वी विल ओपन द माउथ ऑफ फिश इन द साइड ऑफ 18. 18 इज ग्रेटर, तो हमें वही तो बताना है विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ बिगर. एंड नेक्स्ट, हेयर इज़ 1010 एंड हेयर इज ऑल्सो 1010. अरे ये तो दोनों साइड सेम है. अगर दोनों साइड सेम है तो फिर हम कैसे माउथ ओपन करेंगे फिश का? तो कैसे ये इसमें बेटा, जब हमारा सेम टू सेम होता है तो हमें किसी साइड भी ग्रेटर का साइन नहीं गिव कर सकते. तो इसमें आता है इज़ इक्वल. यस, जब दोनों साइड सेम टू सेम होता है तो हम क्या करते हैं? इज़ इक्वल का साइन देते हैं. ये सेम टू सेम है. ओके, नेक्स्ट, हेयर इज़ 2323, हेयर इज़ 4242. यस, देन टेल मी विच इज़ ग्रेटर. यस, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ बिगर? यस, 4 की लाइन बाद में आती है. यस, ये हमें अच्छे से पता है 4 की लाइन बाद में आती है. इस मीन्स 42 इज़ ग्रेटर, 42 इज़ ग्रेटर, 42 इज़ ग्रेटर, बिगर 42 बाद में आता है. हेयर इज़ 4141, इन दिस साइड ऑल्सो 4141. अरे ये तो दोनों साइड सेम हो गए. तो इट मीन्स दोनों साइड सेम है. तो वी विल गिव द साइन ऑफ इक्वल. इज इक्वल, वी विल गिव द साइन ऑफ इक्वल. नेक्स्ट, 3333, 5444, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ बिगर? यस, 5454 इज ग्रेटर. फिश विल ओपन द माउथ इन साइड ऑफ 54. ओके, सो इट इज 6565, इट इज 2626. सो विच इज ग्रेटर, कौन सा बाद में आता है? यस, 65 सिक्स की लाइन बाद में आएगी या 2 की लाइन बाद में आएगी? यस, 6 की लाइन. इट मीन 65 इज ग्रेटर. So the fish will open the mouth inside of 65. Here is 9090. Here is also 9090. दोनों साइड इक्वल. So we will give the sign of equal. Yes children, like this you will also practice in your fair notebook, maths notebook, and complete your work. Share with ma'am. Bye bye.